गुड मॉर्निंग। आज हम लोग आनुवंशिकता विषय के अंतर्गत विभिन्नताएं के बारे में अध्ययन करेंगे। विभिन्नता मीन्स वेरिएशन। वेरिएशन क्या है? किसी जाति के सदस्यों के बीच अंतर। ये अंतर रंग हो सकता है, आंख का, त्वचा का, ऊंचाई, वजन इत्यादि में जो विभिन्नताएं पाई जाती हैं। तो ये जो जाति है, जाति का मतलब हो गया मानव जाति, पादप जाति। और मानव जाति में भी जैसे स्तनधारी वर्ग के लोग हैं या फिर सरीसृप वर्ग के लोग हैं, तो उन सदस्यों के बीच जो विभिन्नताएं पाई जाती है, रंग, रूप, वजन, हाइट, इसी को हम लोग विभिन्नता कहते हैं। ये विभिन्नता होने के दो कारण हैं। एक है दैहिक, जिसको बोलते हैं सोमेटिक, और एक जनन, जिसको जर्मिनल या रिप्रोडक्टिव सेल कहते हैं। ये जो सोमेटिक है, ये वृद्धि कोशिकाओं में होती है। जैसे कोई अंग अगर कट जाता है तो कटने के बाद वो धीरे धीरे भरता है। तो ये जो कोशिका में जो विभाजन हो रही है, ये जो वृद्धि कोशिकाओं में, जो सोमेटिक सेल में, ग्रोथ सेल में ये जो वृद्धि होकर कंप्लीट हो जा रहा है कटने पर, तो इसमें जो विभाजन होती है उसे हम समसूत्री विभाजन कहते हैं। उसी प्रकार जर्मिनल सेल में जो जनन कोशिका है, वहां पे जो कोशिकाओं का विभाजन होता है, जिसे हम लोग अर्धसूत्री विभाजन कहते हैं, तो इसके आधार पर इनमें विभिन्नताएं पाई जाती है। जैसे वृद्धि कोशिका में क्या होती है कि एक मातृ कोशिका है, ये मातृ कोशिका दो संतति कोशिकाओं में बढ़ जाती है। यहाँ हम लोग ध्यान से देखेंगे कि वृद्धि कोशिकाओं में जो वृद्धि है वो एक समान होती है। यहाँ पे गुणसूत्रों की संख्या समान है, जैसा मातृ कोशिका है वैसे उसकी संतति कोशिकाओं में होती है। तो इसमें एक कोशिका से दो संतति कोशिकाओं का निर्माण होता है, जिसे हम लोग समसूत्री विभाजन कहते हैं, माइटोसिस से कहा जाता है। यह विभिन्न चरणों में कंप्लीट होती है। इनके चरण हैं प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टेलोफेज। इसके आधार पर ये सारी कोशिकाएं एक से दो में बढ़ जाती है, जिसमें गुणसूत्रों की संख्या समान होती है। जनन कोशिकाओं में हम लोग देखते हैं कि ये एक मातृ कोशिका जो है, ये दो संतति कोशिकाओं में बढ़ जाती है, और जब दो संतति कोशिकाओं में बढ़ जाती है तो गुणसूत्रों की संख्या आधी हो जाती है, और यहाँ से फिर ये दो से चार कोशिकाओं में विभक्त हो जाती है, जिसमें गुणसूत्रों की संख्या इसके अनुसार बराबर होती है। तो यहाँ पे ये जो गुणसूत्र की संख्या आधी हो जाती है, इसलिए इसे हम लोग अर्धसूत्री या मियोसिस कहते हैं। यहाँ गुणसूत्रों की संख्या 46 है, यहाँ गुणसूत्रों की संख्या 23 और 23 है। जबकि यहाँ पे देखते हैं गुणसूत्रों की संख्या 46 है, जैसा मातृ कोशिका में है, तो जनन कोशिकाओं में भी, उसके संतति कोशिकाओं में भी ये गुणसूत्र की संख्या 46 ही होती है। ये जनन कोशिकाओं में किस प्रकार होती है? तो जनन कोशिकाओं में जो मेरे शुक्राणु या अंडाणु बनते हैं, जो शुक्राणु या अंडाणु, पुरुषों में शुक्राणु स्पर्म का निर्माण होता है और अंडाणु एग्स महिलाओं में होता है। तो यहाँ हम लोग देखते हैं कि जब अर्धसूत्री विभाजन होती है, तो ये मातृ कोशिका से जब उसके संतति कोशिकाओं में आती है, तो गुणसूत्रों की संख्या आधी हो जाती है। यहाँ से 23 और यहाँ से 23 मिलके जो एक नए संतति नवजात शिशु का निर्माण होता है, वहाँ गुणसूत्रों की संख्या 46 हो जाती है। तो यहाँ हम लोग देख रहे हैं कि ये यहाँ से यहाँ तक आधी हो गई, जिसके कारण इसका नाम क्या पड़ा? अर्धसूत्री विभाजन। इसी प्रक्रिया में एक और टर्म है जिसको हम लोग बोलते हैं जीन विनिमय, एक्सचेंज ऑफ जीन्स, जिसके कारण
माता पिता के कुछ गुण उसके संतानों में जब आती है तो उसमें कुछ अंतर आ जाता है और इसी अंतर को हम लोग आनुवंशिकता में कहते हैं। ये जो विभिन्नताएं हैं ये सोमेटिक हो सकती है और जर्मिनल हो सकती है। तो दिस इज ऑल अबाउट वेरिएशन, विभिन्नता। अब हम लोग मेंडल के प्रयोग के बारे में अध्ययन करेंगे। मेंडल ने जो प्रयोग किया, मेंडल एक्सपेरिमेंट, तो उन्होंने जिस पौधे का चयन किया उस पौधे का नाम था मटर का पौधा, पी प्लांट। उन्होंने मटर के पौधे का ही चयन क्यों किया? क्योंकि उसमें कुछ खास विशेषताएं थी जिनका अध्ययन करना आसान था। तो उन्होंने मटर के पौधे का जो चयन किया उसके निम्नलिखित कारण हैं। उन्होंने जो सेलेक्ट किया, तो मटर के पौधों को हम लोग आसानी से देखभाल कर सकते हैं, ये इजी हैंडलिंग है, हम लोग आसानी से इसको हैंडल कर सकते हैं। ये जो मटर के पौधे हैं ये बाईसेक्सुअल प्लांट है। बाईसेक्सुअल प्लांट कहने का मतलब इसमें नर भाग और शुक्राणु, सॉरी, इसमें नर भाग और मादा भाग, पुंकेसर और स्त्री केसर इसमें उपस्थित होते हैं, जिनके कारण इनमें परागण होता है और नए नए विभिन्नता वाले पौधे दिखाई देते हैं। छोटी लंबाई के पौधे हैं, शॉर्ट लेंथनिंग है और इनका जीवन काल शॉर्ट होता है, शॉर्ट लाइफ, और ये लगभग 6 मंथ का होता है। 6 मंथ में एक मटर का पौधा समाप्त हो जाता है। तो मेंडल ऐसा कर सकते थे कि आम का पेड़ ले सकते थे अपने एक्सपेरिमेंट के लिए, लेकिन क्या आपको मालूम है कि आम का पेड़ को एक पूरा होने में कितना समय लगता है, फिर उससे जो नई पीढ़ी निकालेंगे उसको पूरा होने में कितना समय लगेगा? तो इन्हीं कारणों से उन्होंने मटर के पौधे का चयन किया, क्योंकि उसका हैंडलिंग ईजी था, वो उभयलिंगी पौधे थे, वो छोटी लंबाई के थे और उनका जीवन काल छोटा था। और उन्होंने अपने प्रयोग में, प्रथम प्रयोग में, 2 पौधे का चयन किया। एक लंबा पौधा और दूसरा बौना पौधा। ये है टॉल प्लांट और ये है ड्वार्फ प्लांट। मेंडल के प्रयोग में जब उन्होंने 2 पौधे को लिया, एक लंबा और एक बौना पौधा, तो दोनों के बीच संकरण कराया। लंबे पौधों को उन्होंने कैपिटल टी से संकेत के रूप में दिया और बौने पौधे को उन्होंने स्मॉल टी के रूप में संकेत। तो यहाँ पर मेरे पास है लंबे पौधा और ये बौना पौधा, इन दोनों के बीच जब संकरण कराया गया तो यहाँ से इसको और इसको लेते हैं तो हम लोग का हो जाता है कैपिटल टी कैपिटल टी। ठीक उसी प्रकार ये और ये जब हम लोग लेते हैं तो कैपिटल टी और स्मॉल टी, यहाँ और इसको लेते हैं तो ये कैपिटल टी स्मॉल टी, और इसको हम लोग लेते हैं तो स्मॉल टी स्मॉल टी। कहने का मतलब पहले संकरण में 4 पौधे का निर्माण हुआ और 4 पौधे का लंबा और पौधे के संकरण के बीच में जो प्राप्ति हुई वो कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी और 2 स्मॉल टी। कहने का मतलब मेरे पास ये प्राप्त हुई। ये कितना पौधा हुआ? तो ये 1 है। ये कितना पौधा हुआ? तो ये 2 है। और ये कितना हुआ? ये 1। इसको हम लोग समझते हैं। इतना पौधा में हम लोग देखते हैं कि ये जो पौधा था ये लंबा पौधा था और ये जो पौधा वो बौना था। बाहर से हम लोग देखते हैं तो दिखाई देता है 3:1, 3 लंबा पौधा और 1 बौना पौधा, ठीक है। लेकिन इसमें हम लोग देखते हैं इसको
ये कैपिटल टी है और ये स्मॉल टी है, तो इसका मतलब क्या हुआ? ये तो दिखाई दे रहा लंबा, लेकिन लंबे होने के साथ साथ इसमें बौनेकपन का भी गुण है जो अगली पीढ़ी में दिखाई देगा। अभी देखने से लग रहा है कि ये पौधा लंबा है जैसा जैसा उसका पेरेंट था, जिस हाइट में था पौधा भी उसी हाइट में, सेम हाइट में, लेकिन इस पौधे में ये बौनेपन का गुण छिपा हुआ है जो अगले पीढ़ी में दिखाई देगा। तो जो हम लोग बाहर से देखते हैं, जो बाहर से देखते हैं उसको हम लोग बोलते हैं फिनोटाइप। और जब इसका क्रोमोजोमल स्टडी करते हैं तो इसको बोलते हैं जीनोटाइप। तो हमारा जीनोटाइप रेशियो क्या हो गया? ये हो गया 1:2:1। ये क्या हुआ? ये पूरा तरह से लंबा है, ये पूरा तरह से बौना है, और ये कैसा पौधा है? लंबा पौधा जिसमें बौनेपन का गुण छिपा हुआ है। तो मेंडल के फर्स्ट एक्सपेरिमेंट से ये निष्कर्ष निकलता है कि प्रथम पीढ़ी में लंबेपन वाले पौधे का गुण प्रभावी था, ये प्रभावी लक्षण हो गए, और बौनेपन का गुण अप्रभावी था। ये प्रभावी कहने का मतलब ये है कि इसमें दो जो पौधा है जिसमें बौनेपन का गुण छिपा हुआ है, इसके बावजूद ये लंबे हैं, इसमें लंबेपन का गुण आ गया, तो ये हो गया मेरा प्रभावी लक्षण, और इसमें बौनेपन का गुण छिपा हुआ है तो ये हो गया मेरा अप्रभावी लक्षण। जो दिखाई देता है वो प्रभावी और जो दिखाई नहीं देता है वो अप्रभावी। तो इन मेंडल एक्सपेरिमेंट देर आर टू प्लांट्स, लॉन्ग प्लांट एंड ड्रॉप प्लांट, और जब इसको हम हाइब्रिडाइजेशन करते हैं तो इस तरह के अनुपात मिलती है। तो मेंडल के प्रयोग से हमें ये जानकारी मिली कि प्रथम पीढ़ी में कितने पौधे लंबे होते हैं, कितने पौधे छोटे। थैंक यू।